शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट में तीसरी कक्षा को बोर्ड बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड ही तैयार करेगा। वहीं पेपरों की चेकिंग का काम सेंटर हेड टीचर के माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं, पांचवी कक्षा का प्रश्न पत्र भी बोर्ड ही तैयार करेगा, लेकिन पेपरों की चेकिंग ब्लॉक स्तर पर होगी। जल्द ही इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री चंडीगढ़ से मनाली लौटते समय कुछ देर के लिए बिलासपुर रेस्ट हाउस में रुके थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाएं 3,841 स्कूलों में शुरू की जा रही हैं और आने वाले समय में और स्कूलों में भी इसे शुरू करने की योजना चल रही है। 2020 को हमने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है और अब उसकी हमने कुछ बातों को प्रारंभ करना का काम भी शुरू कर दिया है। अभी हमने उसका एक जो पार्ट तो था कि जिसमें अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि तीसरी कक्षा का भी बोर्ड का एग्जाम होगा, पांचवीं का भी और आठवीं का भी, उसको अभी हमने कैबिनेट से स्वीकार करा लिया है। और उसमें अब यह है कि जो तीसरी कक्षा का जो हमारा पेपर है, उस पेपर को बनाएगा एजुकेशन बोर्ड और उसका जो चेकिंग और असेसमेंट का जो काम है वह हमारा जो सेंट्रल हेड टीचर है, जो CHT है, वहाँ पर होगा। और फिर पांचवी कक्षा का पेपर एजुकेशन बोर्ड तैयार करेगा और पांचवी क्लास का जो पेपर है उस पेपर की चेकिंग ब्लॉक लेवल पर होगी। और जो हमारा आठवीं का पेपर है उस पेपर को भी एजुकेशन बोर्ड तैयार करेगा और उसकी चेकिंग का काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, इसको प्रारंभ किया है। और इसके पश्चात हम प्री प्राइमरी क्लासेस को भी प्रारंभ करने वाले हैं और लगभग 3841 स्कूलों में प्रारंभ है और आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी प्रकार से लागू हो और इसको हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक प्रारंभ करने के लिए इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। और इन दिनों हमने हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के साथ बैठने का क्रम जारी किया है और अभी आज से 3 दिन पहले हम हिमाचल प्रदेश शैक्षिक महासंघ के साथ हमने बैठक की है, जिसमें उनके प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक के जो अध्यापक अध्यापिकाएँ वो जुड़े और लगभग 150 लोगों से हमने वार्तालाप किया है। उसमें उनकी समस्याएं भी हैं, उनकी मांगें भी हैं और विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू करने के लिए उनकी ओर से बात की है। और उसके उपरांत अगले दिन हमने जो PGT जो है प्राइमरी फेडरेशन जो इनकी यूनियन है उसके साथ भी हमने वार्तालाप किया है और उससे बातचीत किया, क्योंकि PGT के हिमाचल प्रदेश में 25,162 टीचर हैं जो सबसे बड़ी यूनियन कही जाती है। उनसे वार्तालाप हुआ, इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति को लागू करने के क्षेत्र में शिक्षकों के सहयोग के बिना संभव नहीं और शिक्षक समाज का सबसे एक ऊंचे स्थान पर बैठा व्यक्ति है। शिक्षक का गौरव और सम्मान बहाल करना ये हम सबका